वहीं अब खाते गांव की बात करते हैं, जहां तिवड़िया गांव में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों की ओर से रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज चौथे दिन पंडित धर्मेंद्र व्यास द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से रामकथा का वर्णन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने श्रद्धा भाव से रामकथा को सुना। इस खास अवसर पर पंडित धर्मेंद्र व्यास ने कहा कि रामकथा से मनुष्य को राह मिलती है। चार दिन से ग्राम पूजा में याद मोहल्ले में जो राम जी की कथा चल रही है, उसमें आज चौथे दिन में राम जानकी का विवाह हुआ। इसमें विवाह में ये बताया गया कि किस तरह से पति पत्नी को जीवन में संस्कारिक जीवन में जीना चाहिए, और जिस प्रकार से वशिष्ठ जी ने और सत्यानंद जो जनक जी के गुरु हैं, इनने आज समाज में जो विवाह की जो नियम है, संस्कार हैं, जो विधियां हैं, जो समाज छोड़ता जा रहा है, उस सारी विधियों पर विवाह का प्रसंग के द्वारा समाज को दर्शाया गया है कि वास्तव में विवाह में कैसी कैसी विधियों का विधान जो तुलसीदास जी महाराज ने बताया है, वो सारा विधान आज मानस के पीठ से हमने समाज को दर्शाया है। यह आयोजन किस स्थान पर रखा गया है? ये आयोजन जो है तिवड़िया में, जो 24 वर्ष से अखंड रामायण पाठ चल रहा है, जो सतत न जाने कब तक चलेगा, उसी नगरी में एक मोहल्ला है जिसको जाट मोहल्ला कहते हैं, और जाट जो युवा लोग हैं उन्होंने सभी ने मिलकर यह कार्यक्रम उठाया है, और पूरा तिवड़िया नगरी इसमें बांदा तिवड़िया पुरोनी भूपिया जो आई शायकी इतने नगर उन्हें सब लगे हुए हैं, सभी बड़े प्रेम से विधिवत से ये कार्यक्रम में सहयोग। ये कितने दिन का आयोजन है? ये सप्तदिवस का आयोजन है, होता तो रामकथा का 9 दिन का है, पर किसानों के पास में समय के अभाव के कारण इसको 7 दिन का किया गया है, और हो सकता है ये 2 दिन बढ़ भी सकता है। इस रामकथा से क्या जनता में संदेश देना चाहेंगे? इसमें ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो राम जी ने जो मनुष्य चरित्र दिया है, जो मनुष्य का कर्म की राह बताई है, उस व्यासपीठ में समस्त मनुष्य जाति को ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से राजा राम जी ने समाज में अपने कर्मों के द्वारा जो एक नर का जो मनुष्य चरित्र है वो सारा दर्शाया है, तो समाज को राम जी की इस रामचरितमानस से राह मिलती है समाज में चलने के लिए। जय जय सियाराम।